दोस्तों आप स्क्रीन के सामने जो भी बिस्किट अभी देख रहे हैं वो हमारे यहाँ का रजवाड़ी बिस्किट है। ये बिस्किट पूरा हेल्थी है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो गूंद आता है, सूट पाउडर, इलायची, कोपरा, ड्राई फ्रूट, जायफल, मिल्क डाला जाता है। आटे की बात करें तो गेहूं का आटा आता है, यानी मैदा का कोई स्थान नहीं है। ये बिस्किट बहुत ही अच्छा है। ये बिस्किट की आप अगर मार्केट में कंपेयर या तो भी इसको दूसरी जगह ढूंढने जाओगे तो भी कहीं नहीं मिलेगा। ये कोई ब्रांड भी नहीं बनाता है, अलग बेकरियों में भी नहीं बनता है। ये बिस्किट की मेन खासियत यही है कि अंदर जो गूंद यूज होता है, जो हम सर्दियों की सीजन में खाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत फायदाकारक होता है। ये बिस्किट आप ऊपर से भी देख रहे हैं, गार्निशिंग के अंदर काजू, बादाम, पिस्ता डाला गया है। इसके अंदर भी ड्राई फ्रूट डाला जाता है, ऐसा नहीं है कि ऊपर गार्निशिंग के लिए डाला गया है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, कम से कम 10 मिनट का तो रहेगा ही। प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और हमको कमेंट में भी बताइए आप कहाँ से हो, वीडियो कैसा लगा, इसकी प्रोसेस कैसी है, और हमारे यहाँ आइए, प्लीज़ आइए, हम आपको ये टेस्टिंग भी करवाते हैं। आप देखिए कि किस किस तरह के बिस्किट होते हैं, हम किस किस तरह के नए बिस्किट बनाने का ट्राई करते हैं, और वो जो प्रयत्न करते हैं उसके अंदर लोगों को और आपकी सेहत का क्या ध्यान रखते हैं। तो प्लीज़ 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 आइए और हमको सपोर्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो हम बिस्किट बना रहे हैं वो गूंद का बिस्किट है, जिसका नाम हमारे यहाँ रजवाड़ी है, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। उसके लिए पहले गूंद को, ये घी रखा हुआ है, घी को गर्म करके उसके अंदर थोड़ा फ्राई किया जाएगा। वो ऑयल में नहीं किया जाता है, आप अपने सामने देख लीजिए। मैं जब भी गूंद डालने का तब भी आपको दिखाऊँगा। अभी ये जो घी है गर्म हुआ है उसके अंदर अभी गूंद डाल दिया गया है। ये जो अभी घी था उसके अंदर अभी गूंद डाल दिया गया, आपके सामने देख रहे हैं कि इसको हम घी के अंदर फ्राई कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो हमने घी के अंदर ये फ्राई कर दिए गए हैं अपना जो गूंद था वो, अब ये डायरेक्ट बिस्किट में यूज होगा। किस तरह यूज करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि इलायची और जायफल दोनों को भी ओवन के अंदर रोस्ट कर दिया है। अब इसको भी हम भूखा कर देंगे तो बिस्किट में डालने के लिए। ये देखिए अभी बिस्किट बनाने की शुरुआत अब हो रही है, जिसके अंदर हमने शुगर पाउडर, घी, बटर डाल दिया गया है। ये प्योर घी का है, क्योंकि ये मैंने पहले भी बोला था ये हेल्थी बिस्किट की कैटेगरी में आता है। अब इसकी प्रोसेस शुरू करेंगे। ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है, अभी ऊपर घी और बटर मिक्स हो रहा है, धीरे धीरे नीचे से शुगर भी ऊपर आएगी। ये पूरा वाइट हो जाएगा। अभी शुगर पाउडर, बटर और घी को जो हमने मिक्स किया है वो अभी जो प्रोसेस चल भी रही है वो आप देख सकते हैं कि पूरा क्रीमिश फॉर्म ले लिया है, यानी वो पूरा, वो बोलते हैं ना कि क्रीम की तरह दिख रहा है। अभी इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आते हैं, किस तरह डाले जाते हैं वो आप देखिए। ये बिस्किट सच में एक बार आप खाइए, ये बिस्किट बहुत ही अच्छे है। अब देखिए इसके अंदर अभी दूध डाला जा रहा है, इसके अंदर कम से कम 300 से 400 ml दूध डाला जाएगा। हम दूसरे मशीन के अंदर मिल्क पाउडर, ये सूंड पाउडर भी है, वो दोनों भी इकट्ठा कर रहे हैं। वो प्रोसेस तो अभी चालू ही आप देख रहे हो। और दूसरे मशीन का के अंदर जो है उसके अंदर एक मिल्क पाउडर और सूंड पाउडर डाल दिया गया है। अभी क्या क्या डाला जा रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते रहिए। आपको लगेगा कि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हेल्दी है, जो शरीर को कोई नुकसान नहीं करता है, वो सब मिला के हम बिस्किट बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने जो इलायची और जायफल जो रोस्ट किया था हमारे ओवन के अंदर, उसको अभी पीसा जा रहा है अंदर डालने के लिए। आप देखिए ये जो हमने इलायची और जायफल को पीसा था, यानी उसको अभी एक मशीन से, यानी कि वो ग्राइंडर में डालेंगे, उसके साथ बादाम डाल रहे हैं।
इसके अंदर हमने काजू का भी पहले भूखा किया हुआ है वो भी डाल रहे हैं। ये सब आप इंग्रेडिएंट्स देखते रहिए, ये बिस्किट के अंदर क्या आता है आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ बताया जा रहा है, जो डाला जाता है वो आपके सामने है। इसके अंदर भी कितना ड्राई फ्रूट जाता है वो देखिए। अब ये जो पीसा हुआ है उसको हम उसी के अंदर डालेंगे जो पहले सूट पाउडर डाला था, मिल्क पाउडर डाला था, उसके अंदर भी ऐड कर रहे हैं। दूसरी बार भी वही ड्राई फ्रूट जो बचा है उसको भी इस तरह पीस के उसके अंदर डाला जाएगा। ये देखिए आपके पूरा जो ड्राई फ्रूट इलायची वाला हमने पीसा था वो पूरा डाल दिया गया अंदर, और वो मटेरियल तो भी वहीं पर ही है जो बन गया है, वो सब इस बड़े मशीन में डाला जाएगा क्योंकि ये मशीन की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो सब मिक्स इस मशीन में करेंगे। ये अभी आप देख रहे हैं कि ये जो ड्राई फ्रूट है उसके स्लाइसेस में काटे जा रहा है, ये बिस्किट के गार्निशिंग के लिए है। आपने देखा होगा कि बिस्किट के अंदर जो मावा बना था उसके अंदर भी इतना ही ड्राई फ्रूट गया है जिसमें काजू बादाम पिस्ता भी थे, वो बोलते हैं ना कि क्रश करके डाला गया था। इसके अंदर गार्निशिंग के लिए इस तरह की पट्टियाँ बनाई जाती है, यानी ये बिस्किट में मैक्सिमम ड्राई फ्रूट आता है और ये हेल्दी में गिना जाता है। जो इसमें गूंद जो आपने देखा है आगे गूंद भी गया है, सूट पाउडर गया है, इलायची गया है, कोकोनट पाउडर गया है। ये अभी पिस्ता कर रहे हैं, वो सब साथ में ही मिला रहा है क्योंकि गार्निशिंग में सब साथ में ही रहेगा। इसके अंदर कोकोनट पाउडर भी डाला गया है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमने गूंद फ्राई किया था घी के अंदर, अमूल घी के अंदर, वो भी सारा इसके अंदर डाल रहे हैं अभी। यानी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स आप सिर्फ देखते रहिए क्या क्या आता है और वो अपने शरीर के लिए कितने हेल्दी है। अब पास के मशीन में जो भी हमने वो क्रीम बनाया था वो बटर घी और शुगर पाउडर डाल के जिसको वो मिश्रण बनाया था वो मिश्रण को भी इसके अंदर मिक्स किया जाएगा, वो आप अभी देखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि वो जो पूरा मिश्रण था उसको सारे का सारा इस बड़े मशीन में मिक्स की कर देंगे, वो जो पहले हमने जो मैंने आपको दिखाया कि जो जो मटेरियल हमने डाला है इंग्रेडिएंट्स डाले है। अब इसके अंदर हम आटा मिला रहा है, ये आटा गेहूं का आटा है, मैदा नहीं, हम इसके अंदर मैदा यूज नहीं करते क्योंकि ये हेल्दी बिस्किट्स में हम गिने जाता है। देखिए आप देख सकते हैं कि ये सब अभी मिक्स हो रहा है। अब जितना इंग्रेडिएंट्स डालना था वो सब इंग्रेडिएंट्स आ गया है। आप अगर मैं आपको याद कराऊं इसके अंदर क्या क्या है, तो एक अमूल घी है, बटर है, शुगर पाउडर है, इलायची है, जायफल है, ड्राई फ्रूट है जो हमने क्रश किया था इलायची और जायफल के साथ, उसके सिवा एक मिल्क पाउडर डाला था, अभी गेहूं का आटा डाल रहा है, सूट पाउडर आगे रह गया था बोलने का, वो भी मैं बोल देता हूँ कि सूट पाउडर भी है। यानी ये बिस्किट के अंदर सब आ गया है और लास्ट में ये जो आटा डाला उसके पहले हमने गूंद डाला था जो अमूल घी के अंदर फ्राई किया था। यानी अब ये सब मिक्स हो रहा है प्रॉपर, ये अपना बिस्किट का कच्चा मसाला रहेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, बिस्किट भी अच्छा है और इंग्रीडियंट्स भी इतने हैं कि वीडियो बनाने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप वीडियो थोड़ा लंबा है पर प्लीज़ देखिए, आपको ऐसे बिस्किट कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ये बिस्किट की खोज है, बहुत ही अच्छी खोज है, आपको शरीर के लिए ये सबसे बेहतरीन आइटम है। ये देखिए आप, ये अपने जो स्पाइरल मिक्सर में जो आटा मिक्स किया था उसको थोड़ा अभी प्लेनेटरी मिक्सर में लेके मिक्स किया जा रहा है।
प्लेनेटरी मिक्सर में मिक्स करने का रीज़न यही है कि बिस्किट का जो आटा है वो पूरा मिक्स प्लेनेटरी मिक्सर में ही अच्छा रहता है, वो प्रॉपर मिक्स हो जाता है, स्मूथ भी हो जाता है। प्लेनेटरी मिक्सर का मिक्सर में से आटा निकाल कर, यानी वो मिक्सर जो सब इकट्ठा किया था वो निकाल कर अभी अपने टेबल पे ले लिया है, वहाँ पर उसको हाथों से मसल कर देखिए इस तरह छोटे छोटे गुल्ले बना रहे अभी। ये देखिए ये बिस्किट ऑलरेडी अभी बना दिया हुआ है, किस तरह बनता है वो अभी दिखाता हूँ। देखिए वो जो गुल्ले थे वो अभी हाथों में लेके, देखिए हाथों में गोल गोल बना के उसके ड्राई फ्रूट में ऊपर का लेयर से वो डीप करके ये प्लेट में रख रहा है, यानी इसके अंदर भी ड्राई फ्रूट आ रहा है, मगर वो ये जो ड्राई फ्रूट है वो हमने जो पीसा था वो नहीं है। पहले मैंने जो वीडियो में दिखाया था जिसको हमने वो क्रश तो नहीं बोल सकते मगर क्या छीन किया था, वो छीना हुआ है जो उस पर गार्निशिंग के लिए है, उस तरह ये प्लेटें भरी जाएगी। तो प्लेटें भर गई है, अभी प्री हीट हुए हुए ओवन के अंदर हम रख रहे हैं इसको। भैया ये कितने मिनट तक रहेगा? ये 22 मिनट तक रहेगा और टेम्परेचर रहेगा 200 डिग्री। अठारह बीस मिनट के आसपास हम देखेंगे अगर बन गया है, या कितनी देर है वो देख लेंगे, अगर बन गया है तो निकाल लेंगे, नहीं तो 22 मिनट तक रखेंगे इसको। ये देखिए जो बिस्किट हमने ओवन में रखा था पकने के लिए वो पक कर निकल गया है। गेहूं का बिस्किट पका है, थोड़ा ब्राउनिश बन गया है, कलर पर से पता चल जाता है कि ये पूरा पक गया है, बड़ी अच्छी तरह पक गया है। मैं आपको एकदम नज़दीक से वीडियो दिखाता हूँ, देखिए बहुत ही अच्छा बना है बिस्किट, और ये बहुत ही हेल्दी बिस्किट्स है। इसके अंदर शरीर के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें डाली गई है जो आपने ऑलरेडी देखी है।